सबसे पहले तो मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं धारा 370 और 35 से हटने के लिए, और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। ये हमारी बहुत पुरानी मांग थी। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना गैर राजनीतिक संगठन है। हम ना किसी पार्टी के पक्ष में है ना किसी पार्टी के विपक्ष में। जो पार्टी राष्ट्र हित में काम करेगी हम उसको धन्यवाद करेंगे, हम उसके साथ हैं। दो प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर हम पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, उसी के तहत हम यहाँ आए। हरियाणा के अंदर राजपूतों की संख्या वोट प्रतिशत की मैं बात करूं तो 10 से 12% है, परंतु सिर्फ एक राजपूत विधायक। तो इस हरियाणा की जो भी प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनसे हमारा अनुरोध है, और आपके माध्यम से भी वो अनुरोध हमारा पहुंचे कि वोट परसेंटेज के हिसाब से हमारे 8 से 10 विधायक हों। 42 साल पहले भिवानी से एक राजपूत विधायक थे ठाकुर वीर सिंह जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा का कि मैं भिवानी विधानसभा क्षेत्र से अगला विधायक राजपूत होगा। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं नहीं जानता कौन होगा। ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि इस बार समाज को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो कुछ विधानसभा क्षेत्रों में परिणाम उल्टे हुए। एक चमत्कार होगा और उस चमत्कार के बाद सबको पता चल जाएगा। तो एक 1.5 साल पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी सती माता पद्मावती के ऊपर। भिवानी के युवाओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि भिवानी हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसा शहर था जहां वो फिल्म नहीं चली। उस फिल्म के दौरान जहां पे वो फिल्म चली छोटे मोटे प्रदर्शन हुए जिसमें हमारे युवाओं को गलत प्लांट कर दिया गया। 20-22 बच्चे हमारे झज्जर और गुड़गावा जिले के हैं, 20-22 बच्चे हमारे कुरुक्षेत्र जिले के हैं। तो दूसरी रिक्वेस्ट ये है सरकार से आपके माध्यम से कि निर्दोष बच्चों को छोड़ें। इस तरह